जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज ऐसी एक खबर कल पेश होने वाले बजट से जुड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जिसमें अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर नजर आई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बुनियाद पर अगले वित्तीय साल में भी भारत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगा, लेकिन जब देश का बजट आता है तो लोगों की उससे उम्मीदें होती हैं। हर तबका, हर सेक्टर चाहता है कि बजट में उसके फायदे से जुड़ा कुछ ऐलान हो। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए लोगों की खास नजर है। लेकिन बजट से जुड़ी उम्मीदों को आप भी समझें, इसलिए जानकारी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए शत प्रतिशत सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। बस कुछ घंटे बाद खुलने वाला है बजट का पिटारा और ये बजट इसीलिए खास है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। जाहिर है लोगों को इस बजट से बेहिसाब उम्मीदें हैं, खासकर मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स की राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा, इसीलिए उम्मीद ये है कि बजट में टैक्स का बोझ कम हो। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग है। डिमांड ये भी है कि 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख किया जाए। इसके अलावा अधिकतम टैक्स स्लैब जो सरचार्ज और सेस वगैरह मिलाकर 42.74% बैठता है उसे भी घटाने की मांग की जा रही है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस मोर्चे पर कोई राहत दी जाती है कि नहीं, ये काफी हद तक सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ और मंदी की आशंका के बीच राजस्व वसूली के आधार पर तय होगा। इसी तरह मध्यम वर्ग को होम लोन पर छूट बढ़ाने की भी उम्मीद है। दरअसल महंगाई की वजह से पिछले एक साल में ब्याज दरों में करीब 2% का इजाफा हुआ जिसकी वजह से मध्यम वर्ग की जेब पर काफी बोझ बढ़ गया है। अभी होम लोन के प्रिंसिपल के सालाना 1.5 लाख और ब्याज के 2 लाख तक के भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस रकम को टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। उम्मीद ये की जा रही है कि कई साल से स्थिर ये छूट सीमा इस बार के बजट में बढ़ाई जा सकती है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के मार्केट में फिर से तेजी लाई जा सके। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर इस बार दूसरा घर खरीदने वालों को भी इनकम टैक्स में छूट देने की डिमांड कर रहा है। इसी तरह छात्रों को भी बजट से उम्मीदें हैं। लाखों छात्र एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल पाए इसका भी बजट में प्रावधान किए जाने की पूरी उम्मीद है। जानकार मान रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को और मजबूत करने के लिए आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर बजट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल पाए। माना जा रहा है कि सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। इन सामानों में प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हो सकते हैं। जाहिर है इस बजट पर से सभी की उम्मीदें जुड़ी हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कारोबारी। देखना है कि वित्त मंत्री किसे क्या सौगात देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बजट पेश होने से पहले आपको बता दें दो बातों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। क्या मध्यम वर्ग को टैक्स के बोझ से निजात मिलेगी और आम आदमी को किन चीजों की खरीदारी में राहत मिलेगी, इस बार भी ये चर्चा गर्म है। जानकार भी मान रहे हैं कि सरकार राहत देने वाले कुछ फैसले ले सकती है। बजट में क्या हो सकता है इसे समझा रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। तो इस आखिरी बजट में
लोक लुभावने वादों के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ सौगातें मिलेंगी। वो सौगातें क्या हो सकती हैं? ये संभव है कि वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी क्वालिटी अच्छी है, अब देख रहे हैं उसकी तस्वीरें, और वो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या और बढ़ा दी जाए, कई सारे और रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चला दी जाएं। दूसरा, स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, दूसरे कार्यक्रम जो हुए, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेक्टर पर जो निवेश है वो बढ़ जाएगा रिसर्च प्रोग्राम में, ताकि ऐसी किसी भी परिस्थितियों के लिए हम तैयार रहें। शिक्षा के ढांचा में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज, कह रहे हैं देखिए हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो और उस पर खर्च हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए लोन से हो, मुद्रा योजनाएं हो, ऐसी दूसरी कई योजनाएं भी आ सकती हैं, ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे, शिक्षा पहुंचे और स्वास्थ्य पहुंचे। रोजगार को लेकर के सरकार जाहिर है कई योजनाओं के बारे में बता सकते। देखिए ये भी मान रहे हैं पूंजीपति कि जो कोविड के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने निवेश किया उसके चलते कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिला, तो अब ऐसी कुछ परियोजनाएं भी आ सकती हैं बजट में जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा मिले और साथ ही महंगाई को कम करने के लिए। देखिए अभी आटा महंगा हो रहा है तो सरकार ने कई लाख जो मेट्रिक टन है वो गेहूं बाजार में उतार दिया कि बिके, कम से कम रेट कुछ कम आए, तो ऐसे महंगाई को रोकने के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे और आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये इंतजार रहेगा कि देखिए इतना मोटा टैक्स जाता है, इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी कि नहीं सरकार। ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो सबसे निचला सर्किट है कम से कम उसमें कुछ राहत दी जाए, तो अगर जनता का टैक्स का पैसा बचेगा, कम से कम जो सबसे पहली स्लैब है अगर वो बढ़ा दी जाती है उसमें कुछ कमी हो जाती है, यानी टैक्स के जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा हो, टैक्स कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरी जेब में पैसा बचेगा, हमारी जेब में पैसा बचेगा तो हम उसे बाजार में खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और आप जानते हैं कैसे ऐसे अर्थव्यवस्था चलती है, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर है खपत ज्यादा होगी, खपत होगी तो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो उस पर ये लोग माना, बाजार भी मान रहा है कि ऐसा इंडिकेटर है कि टैक्स में भी मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल जाए। और वैसे भी वित्त मंत्री ने कहा था कि एक मिडिल क्लास क्या सोचता है, कैसे रहता है, वो उसको समझती हैं, तो हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर भी राहत कुछ हमें मिल जाए। बाकी सबकी नजर बजट पर बनी रहेगी।